हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चांदनी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो कि काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी साड़ी ड्रेपिंग की वीडियो शेयर करने के लिए। तो आज मैं आप लोग के साथ हेवी साड़ी को कैसे खुद से ड्रेप करते हैं उसकी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चारों तरफ से मैंने साड़ी को टक कर लिया है पेटीकोट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं साड़ी को टक करने के बाद में यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे देखना है कि आपको पल्लू कितना रखना है। तो अपने हिसाब से पल्लू को रख लीजिएगा, कितना आपको मतलब उसका हाइट, मतलब पल्लू का हाइट कितना आपको चाहिए, तो अपने अनुसार यहाँ पे रख लेना है। और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर प्लेट बनाएँगे। तो बट यहाँ पर अभी प्लेट बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो साड़ी है उसको पीछे से हम इसको खींचेंगे, और खींचने के बाद में इसको हम थोड़ा सा साड़ी को क्लोज करेंगे अपने हाथ, इसको आप यहाँ पे टक कर लीजिएगा या तो फिर थोड़ा सा इसको क्लोज करिएगा। क्लोज करने के बाद में आप अगर हेवी ज़्यादा साड़ी है तो उसको यहाँ पे अगर आप पिन से टक कर लेते हैं तो काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा। अगर हल्की साड़ी है तो फिर आप ऐसे भी फोल्ड करके यहाँ पे टक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप पिन से यहाँ पे करिएगा। तो यहाँ पे मेरा साड़ी काफ़ी हेवी था तो इसलिए मैं यहाँ पे पिन से टक करी हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईजीली इसको ऐसे क्लोज करके और पिन से यहाँ पे टक कर लेना है। और पिन से टक करने के बाद में क्या होगा कि आपका साड़ी यहाँ से मतलब खुलती नहीं है, और जो साड़ी का शेप रहता है वो काफ़ी अच्छे से दिखता है, और इसके बाद आपकी साड़ी खुलने का भी कोई चांस नहीं रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको क्लोज करके और यहाँ पे पिन से मैं टक कर दी हूँ। और इसके बाद अब हम बनाएंगे प्लेट। तो चलिए फिर यहाँ पे मैं जो हमारा प्लेट है और उसको हम अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं प्लेट को बना लूँगी। और सारे प्लेट को बनाने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा एक्स्ट्रा जो साड़ी है उसको हम साइड में ऐसे साइड में करके, और इसके बाद जो हमारा प्लेट है उसको हम एक साइड मतलब सेम साइज़ में करके, और इसके बाद हम उसको टक करेंगे। बिना सेम साइज़ में किए उसको टक नहीं करिएगा, नहीं तो जो हमारा प्लेट है वो ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मैं यहाँ पे पहले अच्छे से सेट करके और टक कर ली हूँ साड़ी। और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे मैं बताती हूँ कि अगर हेवी साड़ी है तो ओपन पल्लू भी रख सकते हैं। तो ओपन पल्लू रखने के लिए आपको क्या करना होगा कि ओपन पल्लू कभी भी अगर आप हेवी साड़ी में रखते हैं तो उसको आपको जो हमारा साड़ी है, साड़ी का जो हमारा नीचे वाला पार्ट्स है जो हम टक किए हैं, जो कंधे पर टक किए हैं उसको नहीं, जो नीचे वाला जो हमारा पार्ट्स है उसको थोड़ा सा हम प्लेट बनाएंगे, छोटे छोटे प्लेट्स बना के उसको पिन से टक कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो साड़ी जब कभी हम अपना हाथ वगैरह हटाएं तो मतलब पूरी साड़ी खुले नहीं और इजीली यहाँ पे वो क्लोज रहेगी साड़ी आपको। और ओपन पल्लू में भी काफ़ी अच्छा लुक आता है हेवी साड़ी में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उसको क्लोज कर ली हूँ, और क्लोज करके और ऐसे आप साड़ी अगर आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं दूसरा इसको प्लेट बना के दिखाती हूँ हेवी साड़ी को। तो दोनों में से आप कौन सा अच्छा लग रहा था इस साड़ी पे, ओपन पल्लू या फिर ये प्लेट बनाकर, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साड़ी को जितना हमें मतलब प्लेट मतलब जो है उसका साइज़ में आपको कितना रखना है, चौड़ा या पतला, उसके अनुसार यहाँ पे रख लीजिएगा। और रखने के बाद में हमें इसको प्लेट बनाकर और पिन से हम इसको टक कर लेंगे। और टक करने के बाद में तो चलिए फिर यहाँ पे मैं पिन से इसको टक कर लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको आप लोग को बताती हूँ कि फिर इसके बाद जो हमारा प्लेट है उसको हम कैसे ठीक करें। और ठीक करने के बाद में दोनों आप देख सकते हैं, तो हेवी साड़ी में आपको कैसा रखना है वो अपने अनुसार आप दोनों में से कैसे भी आप पल्लू रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेट को मैंने ठीक कर ली हूँ। प्लेट को ठीक करके जो हमारा बॉर्डर है साइड से उसको हम ऊपर कर लेंगे, तो काफ़ी उससे आपका जो लुक है साड़ी का काफ़ी अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हेवी साड़ी में मैं दो आप लोग करके बताई हूँ दो तरीक़ों से प्लेट। आप लोग दोनों तरीक़ों से किसी भी तरीक़ों से कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर ये मैं आप लोग को फुल लुक मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा फुल लुक ये साड़ी का। तो ये साड़ी काफ़ी हेवी था, तो हेवी साड़ी पे मुझे वीडियो बनाना था ड्रेपिंग का, तो फिर मैं आज ही वाली वीडियो शूट करी थी। तो चलिए फिर
ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी से शूट करवा रही थी पूरा लुक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और यहाँ पर मेरा फुल